अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि गेज से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि गाड़ी में बल्ब ख़राब हो, तो आपको कैसे पता चलेगा इस गाड़ी का बल्ब ख़राब है, एक्सपेंसिव वाल ख़राब है। बल्ब को इंग्लिश में एक्सपेंसिव वाल बोलते हैं और अरबी में बल्ब बोलते हैं, और हर अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग नाम है। यानी ये इस जगह लगा होता है, ठीक है, ये देखें, ये एक्सपेंसिव वाल है, इस जगह लगा होता है। ये मेरे पास गाड़ी है 2008 मॉडल डीमैक्स, तो मैं इस पर आपको चेक कराऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो, कैसे ख़राब हो, तो क्या गेज कैसे शो करती है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। और सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो दोस्त अब आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा ताकि आप उसको पहले वीडियो को देख लीजिए, ताकि थ्योरी में आपको इजीली गेज इस्तेमाल करने के बारे में आपको समझ आ जाए। आइए टॉपिक की तरफ। उस दिन आपको बताया था कि गैस फिल करने से, गैस फिल ये ब्लू कलर की घड़ी के हिसाब से होती है, ठीक है। ये पाइप आपको गाड़ी में लगाना पड़ता है, इधर लगाना पड़ता है, ये देखिए मैं उतार के आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इस जगह लगाया जाता है, इसको ऐसे पुश करना है, पुश भी कर सकते हैं इसको, वैसे भी खोल सकते हैं, इसमें गैस है तो इसलिए ये पुश करने में नहीं जा रही। एक सेकंड, एक हाथ है, एक सेकंड में स्टॉप करके इसको लगा के दोबारा देखता हूँ। जी इसको मैं लगा चुका हूँ, प्रॉपर तरीके से इसको लगा दिया। ये देखिए अभी मैंने ये एक पाइप उस पर लगा दिया, ये पाइप सिलेंडर के साथ लगा हुआ है, आपको बताया था। ये सिलेंडर खोल के मैंने गैस फिल की है, ये गैस लीकी थी, ये इधर से लगा हुआ था कंडेंसर, हमने इसको वेल्डिंग किया, दोबारा इसमें गैस फिल करने लगा हूँ तो इसका वाल्व यानी एक्सपेंसिव वाल्व बंद है। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना के आपको थ्योरी के हिसाब से समझा दूँ। ये देखें, सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी होती है कि ये लगा दिया तो ये देखें गेज ऊपर की तरफ आ रही है फुल, यानी इसमें गैस फुल है, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्रेशर चेक करते हैं, यानी सबसे पहले इसको फुल करना होता है, इससे लगा के आपको पता चलता है गाड़ी में गैस है कि नहीं है, तो ये आपको पता चल गया गाड़ी में गैस है, ठीक है। अभी इसको हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट करने में थोड़ी सी आवाज़ आएगी, आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। हम इसको गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करके एसी ऑन करते हैं। जी ये देखें मैंने गाड़ी को एसी को ऑन किया है, ये देखें जिसमें गैस फुल है, ये 10 पे आ गया है, ये देखें गेज 10 पे आ गया, बिल्कुल 10 पे। हम इसको एक्सीलेटर दे के आपको बताते हैं, ये देखें ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ये देखें ये तकरीबन 10 पे है, इसमें गैस फुल है, इसको कम से कम 25 से 30 पे होना चाहिए। आपको वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपकी गाड़ी में 10-15 तक हो, आपकी गैस फुल होने के बाद 10-15 तक गेज हो, तो इसका मतलब है आपका एक्सपेंसिव वाल बंद है। हम इसको एक्सपेंसिव वाल इधर लगा हुआ है, ये एक स्क्रू है, स्क्रू के साथ दो अलग की A4 की लगी होंगी, हम उसको खोल के आपको दिखा देते हैं कि अगर एक्सपेंसिव वाल बंद हो तो कैसे आप इसको बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं। ये देखें दोबारा आपको दिखा दूँ, ये देखें 10 पे, देखें बिल्कुल 10 पे गेज है, ठीक है। हम एक्सपेंसिव वाल्व को भी चेक कर लेंगे और साथ में ड्राइवर को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ये गाड़ी खुली हम खो रहे हैं जबकि गैस इसमें निकाल रहे हैं, तो हम दोनों को एक साथ ही चेक कर लेंगे। हम इसको चेक कर खोलने के बाद आपको दिखाते हैं ये गैस पूरी की पूरी निकलेगी बाहर, उसके बाद हम चेक करेंगे इसको। जी तो दोस्तों ये मैंने एक्सपेंसिव वाल्व खोल लिया है, ये कूलिंग कॉइल की तरफ लगा होता है दोनों तरफ, ये दोनों पाइप कूलिंग कॉइल के होते हैं, और इस तरफ जो ब्रीक होता है ये रेडिएटर से कंडेंसर से कूलिंग कॉइल की तरफ आता है, ये ब्रीक पाइप, ये ऊपर वाला जो कंप्रेसर से इस तरफ आ रहा होता है कूलिंग कॉइल की तरफ, ठीक है। ये उस तरफ लगा होता है, पहले इसमें ये कूलिंग कॉइल की तरफ लगा होता है, ये 2-4 नंबर के एलेंकी के बोल्ड लगे होते हैं, यानी स्क्रू 4 नंबर एलेंकी के लगे होते हैं, जो कुछ जगह पे 10 के भी होते हैं, कुछ जगह पे 8 के भी होते हैं, लेकिन अमूमन एलेंकी के होते हैं। इसके ऊपर पाइप को 10 का ये 10 नंबर स्क्रू लगा होता है, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगे होते हैं। इसको चेक करने का तरीका कार है कि मुंह से इस तरफ से हवा मारें और बैक साइड से हवा निकलेगी, ये नॉर्मल तौर पे आप इस तरफ से हवा मुंह से हवा लगाएं और दूसरी तरफ से निकाल लें। अगर तो ये स्टक यानी हवा बिल्कुल नहीं जा रही या बहुत आराम से जा रही है, बहुत इतना ज़ोर लग रहा है, यानी आपको अगर क्योंकि हवा से आप चेक करेंगे, हवा के पाइप से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर से कितनी हवा गुजर रही है।
अगर तो आप मुंह से करेंगे तो आपको पता चले, ये अमूमन नॉर्मल तरीके से हवा गुजरनी चाहिए, यानी आराम से आप पुश करेंगे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत जोर लग रहा है, मुंह का काफी जोर लग रहा है फूंक मारने में, तो ये खराब है, ठीक है। ये देसी तरीका है जैसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने ड्राइवर भी ओपन कर लिए, ड्राइवर को भी ऐसे घुमा के चेक करें, ऐसे हिला के चेक करें, तो इसमें देखेंगे कि कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। ऊपर से भी, इधर से भी जो इन वाला पाइप है ना, इसमें इन लगा होता है, जो रेडिएटर की तरफ होता है उसको इन बोला जाता है, और जो यानी कंप्रेसर से पाइप आता है ना, जो इधर लगा होता है, इधर ये आउट से इस तरफ से जाके एक्सपेंसिव वाल में लगा होता है, ठीक है। आप इस तरफ से इन से हवा मारेंगे, इस तरफ से निकलेगी, तो आपको इसको भी पता चलेगा, अगर ये टाइट है तो लगा लें हिसाब के, मतलब टाइट है तो ये खराब है। और वैसे ये खराब होने की सूरत हाल ये ऐसा होती है कि आप घुमाएंगे तो कुछ आवाज़ छन छन की आवाज़ आएगी, या कुछ ऐसा मसला होता है, ठीक है। और ये जो मसला था ये एक्सपेंसिव वाल का था, ये मीटर का जो 10 पे आ रहा था या 15 पे भी आ रहा हो तो एक्सपेंसिव वाल के होता है, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए इसको ओपन करके चेक कर लिया, क्योंकि ये दोनों की पाइपलाइन एक ही होती है, ड्राइवर से रेडिएटर से जो ड्राइवर की तरफ पाइप आता है उसके बाद सीधा एक्सपेंसिव वाल की तरफ आता है। ये पाइप भी बंद हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मतलब एक्सपेंसिव वाल बोल दिया तो वही खराब हो सकता है, नहीं, आप पाइप भी चेक कर सकते हैं। जो कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसका कुछ दाना, यानी अगर ये खराब हो तो इसका कोई दाना निकल के, इसमें होता है जाली नुमा एक होता है फिल्टर, फिल्टर में छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, वो एक केमिकल होता है, वो जब ये फट जाती है तो ये पाइप जो इस तरफ से एक्सपेंसिव वाल की तरफ जो ब्रिक सा पाइप होता है, कई दफा होता है कि उसमें दाने फंस जाते हैं और गैस की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। मतलब लगा ले हिसाब के जो यानी रेडिएटर से एक्सपेंसिव वाल की तरफ जो पाइप जा रहा है, चाहे वो इधर से बंद हो, चाहे वो इधर से बंद हो, चाहे पाइप बंद हो, तो जो है ना मीटर की सुई 10 से 15 शो करेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर कंप्रेसर गैस को पूरी तरह सक नहीं कर सकता। इधर से गैस जाएगी तो कंप्रेसर इधर से वापसी में सक सही से, यानी खींच लेगा सही से। तो मैं इसको नया लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि लगाने के बाद गैस भर के आपको दिखाता हूँ कि पहले मीटर में क्या था और दोबारा क्या है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव वाल में नया ले आया है, तो इसको लगा के हम चेक करते हैं, लगा के आपको बताता हूँ ये ऐसे लगेगा। ये देखें, लगा के इसके ऊपर इधर पाइप लग जाएंगे, ये कूलिंग कॉइल इधर लग जाएगी, इधर दो स्क्रू लगेंगे, ये पाइप का एक स्क्रू लग जाएगा। मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, उसके बाद गैस फिल करके, ये ड्राइवर भी सही था, मैंने सिर्फ खोल के चेक किया इसको, ये लगा के हम इसमें गैस फिल करके आपको दिखाते हैं कि आप गेज कैसे काम कर रही है, आपको कैसे पता चलेगा आप सही हो गया कि नहीं हो गया। जी तो दोस्तों, मैंने एक्सपेंसिव वाल लगा दी है, उसके बाद मैंने इसकी लीकेज वगैरह चेक कर ली है, नॉर्मल तौर पे इसकी लीकेज चेक करते हैं, और लीकेज मैंने चेक कर लिया। उसके बाद ये देखिए, पहले इसमें गैस कितनी शो हो रही थी, 120 शो हो रही थी, लेकिन इसमें मैंने कम इसलिए डाली है क्योंकि कुछ लोग ये ना बोलें कि बाद में कि इसमें गैस ही कम थी। अब इसमें हम ऐसे स्टार्ट करके चेक करेंगे कि पहले 120 थी तो मीटर 10 पे आ रहा था, अब इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं कि इसका मीटर कहाँ आ रहा है। एक सेकंड में इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। जी ये देखें, गैस भी इसमें कम है, लेकिन फिर भी गेज कहाँ जा रही है, 40 पे, यानी कंप्रेसर थोड़ा वीक है। वैसे थोड़ी गाड़ी वाइब्रेट भी कर रही है, तो प्रॉपर तरीके से कंप्रेसर थोड़ा घूम नहीं रहा, तो इसकी एक्सीलेटर थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये देखें, गैस थोड़ी कम है लेकिन फिर भी 40 पे है, यानी इसका मतलब बल्ब खुला हुआ है। अभी मैं इसकी गैस फुल करके फिर आपको दिखाता हूँ। जी मैं इसमें गैस फुल कर चुका हूँ, ये गेज इसकी 50 से 60 आ रही है, यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर गाड़ी में आपकी प्रेशर कंप्रेसर का प्रेशर 50-60 आ रहा है तो इसका मतलब है कि गाड़ी की कंप्रेसर थोड़ा वीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी वाइब्रेट भी कर रही है गाड़ी, तो ये इंशाल्लाह मैकेनिक थोड़ा चेक करेंगे इसके बारे में, और ये एक्सीलेटर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है ये गुजारा करेगी। तो अगर आपको आपकी भी गाड़ी अगर 10 प्रेशर यानी गेज पर 10 आ रहा है, 15 आ रहा है या 20 आ रहा है, तो फिर इसका मतलब आप बल्ब चेक कर सकते हैं, उसके बाद इसकी पाइपलाइन चेक कर सकते हैं। और मैं ये गैस इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन सी गैस इस्तेमाल करनी चाहिए, मैं तो ये इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। अभी हम अंदर जाके इसकी कूलिंग चेक करते हैं कि कैसी कूलिंग है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कूलिंग है, बहुत अच्छी कूलिंग है। तो आप ने चेक कर दिया कि अगर आपकी गाड़ी में ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, वाल खराब है, तो आप वाल चेक करें। अगर आपको किसी किस्म के मुतालिक
किसी किस्म के मुतालिक आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें, इसी तरह इंशाल्लाह वीडियो बनेगी, आपका नाम लेके वीडियो बन जाएगी और आपको मैं कमेंट में रिप्लाई भी कर दूंगा कि नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो आपकी कब आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि दोबारा कि अगर आपकी गाड़ी में 10 से 15 प्रेशर आ रहा है तो उसका मतलब है आपका वाल्व बंद है। वाल्व जरूरी वाल्व ही नहीं बंद हो, जो ड्राइवर से मतलब रेडिएटर ड्राइवर से जो पाइप आ रहा है एक्सपेंसिव वाल्व की तरफ वो भी बंद हो सकता है, ड्राइवर भी चोक हो सकता है, यानी जिसको फिल्टर बोलते हैं ड्राइवर बोलते हैं बोतल बोला जाता है वो भी चोक हो सकता है और वाल्व भी एक्सपेंसिव वाल्व भी बंद होता है, लेकिन ज्यादातर सूरत वाल्व बंद होने की ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।